हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सुपर क्लासेस। आज की दोस्तों क्लास बहुत ही लाजवाब होने वाली है। एक टॉपिक जो छूटा था हमारा, पार्टनरशिप साझेदारी, जो कि आपको हर एक कोई भी इंट्रेंस एग्जाम आप देने जाएं तो आपको साझेदारी से एक क्वेश्चन एक फिक्स रहता है, ठीक है। तो आज हम लोग साझेदारी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में जैसे आते हैं उसी को पढ़ेंगे। और बता दूं, बहुत छोटा सा टॉपिक है और इससे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सीधा भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपको टेढ़ा भी पूछ लिया जाता है, तो हम सीधा और टेढ़ा दोनों को हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ वीडियो को इंड तक बने रहना ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में। केवल एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, पूरा साझेदारी खत्म, केवल एक कॉन्सेप्ट रहेगा और उस पर रिलेटेड मैं कई क्वेश्चन हल कराऊंगा जो एग्जाम में आए होंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो पहले मैं आप लोगों को शुरू करूंगा साझेदारी, साझेदारी पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। पहले पार्टनरशिप शुरू करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बता दें, थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लेंगे। देखिए साझेदारी क्या होता है, जैसे साझेदारी में सबसे पहली बात आती है कि साझेदारी किसे कहते हैं, साझा क्या होता है। जैसे जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, ठीक है, ध्यान सुनिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, तो ऐसे में मतलब बोला जाता है कि ये एक दूसरे के साझा कर रहे हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साझा बोलते हैं, ठीक है। और जो व्यवसाय में जो लोग पार्टनर्स, जो लोग मतलब इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम लोग साझेदार बोलते हैं, ठीक है। और साझे 2 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय साझा होता है, एक दूसरा निष्क्रिय साझा होता है, ठीक है। अब आप सबसे बड़ी बात यह आती है जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, लाभ और हानि का बंटवारा, ठीक है। जो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को अगर आप कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं मिलकर, ठीक है, तो जो उसमें लाभ और हानि का बंटवारा होता है वर्ष के अंत में, तो पूंजी और पूंजी का लगा जो समय, पूंजी कितने समय तक लगा, उन दोनों का गुणनफल के अनुपात में लाभ और हानि आपस में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो पार्टनरशिप किए हैं, साझा किए हैं, उसमें कितनी पूंजी निवेश किए हैं, कितने समय के लिए किए हैं, उनका जो गुणनफल होगा उसी के रेशियो में लाभ और हानि का अनुपात होगा, ठीक है। लोग जैसे कहते हैं कि पार्टनरशिप बहुत खराब चीज़ होती है, तो मैं आपको बताऊँ पार्टनरशिप खराब चीज़ नहीं होती, लोगों को पार्टनरशिप करना ही नहीं आता है, ठीक है। तो आज आपको सिखाएंगे पार्टनरशिप कैसे करते हैं और पार्टनरशिप से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को हमारे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन को मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साझा जो होता है, लाभ और हानि का जो बंटवारा होता है, लाभ और हानि का जो बंटवारा है पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है, ठीक है। लाभ और हानि का जो बंटवारा होता है पूंजी और पूंजी में लगा समय के अनुपात में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बी और सी, मान लीजिए ए बी और सी मिलकर किसी काम को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। क्रमशः सी वन सी टू और सी थ्री, या सी वन या सी टू या सी थ्री निवेश किए। मान लीजिए कि ए बी और सी किसी काम को शुरू करते हैं और क्रमशः सी वन सी टू और सी थ्री मतलब पूंजी निवेश करते हैं और उनको क्रमशः T1, T2 और T3 समय के लिए निवेश करते हैं। मतलब जो A है C1 पूंजी निवेश करता है T1 समय के लिए, B जो है C2 पूंजी निवेश करता है T2 के लिए, C जो है C3 पूंजी निवेश करता है T3 समय के लिए। तो जो उनका लाभ अथवा हानि का जो विभाजन होगा, लाभ बोले या हानि होगा, उसका जो विभाजन होगा वह उसका जो अनुपात होगा या क्या होगा, C1 T1 अनुपात ए, C2 T2 अनुपात C3 T3, यह रेशियो होता है, ठीक है ना। तो यह रेशियो होता है पूंजी, मतलब इसमें आपसे जानते हैं क्या पूछा जाता है, एक तो आपका अनुपात पूछ लिया जाता है, समय का अनुपात, पूंजी का अनुपात या लाभ का अनुपात। फिर यह पूछा जा सकता है कि समय कितना है कितना नहीं, 2-3 टाइप के क्वेश्चन छोटे मोटे हल्के फुल्के साझेदारी से बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद साझा से रिलेटेड एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए, ये मेरी वादा गारंटी है आपके साथ।
तो यह बात आप समझ में आए, आप नोट कर सकते हैं लाभ और हानि का जो विभाजन है C1 C2 C3 के अनुपात में होता है। अब जो यह कॉन्सेप्ट आपको सीखे हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करना आपको सिखाएंगे, कहाँ कहाँ हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँ, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपको एक चीज़ बता दें, बहुत छोटी सी चीज़ है, जो साझेदारी के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, साझा से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसका जो लेंथ होगा बहुत भयंकर भयंकर, इतना भयंकर भयंकर आएगा कि देख कर ये परेशान हो जाएंगे। मतलब साझेदारी से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत बड़े बड़े आते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरी बात आपको समझिए, उसका जो सॉल्यूशन होगा, जिसका आंसर होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत मिनिमम, समझ लीजिए इससे छोटा होगा ही नहीं कुछ सवाल, ठीक है ना। तो आइए आप लोगों को साझेदारी की ओर ले चलते हैं, साझेदारी की गली में लेकर चलते हैं। आपके देखिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखा जगह, देखिए बहुत भयंकर है। आशीष ने 42,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। व्यवसाय आरंभ होने के 3 महीने बाद मनीष 48,000 रुपया लगाकर साझेदार बन गया। व्यापार आरंभ होने के बाद 8 महीने बाद 72,000 रुपया लगाकर साझेदार बन गया। तो बताइए वर्ष के अंत में व्यवसाय से होने वाला लाभ अथवा हानि को तीनों के बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्या क्या है। देखिए पहली बात की एक आशीष है, एक आशीष भाई साहब है, और दूसरा कौन भाई, एक मनीष भाई साहब है, और एक सतीश भाई साहब है, ठीक है। आशीष, मनीष और सतीश को मैं छोटे रूप में लिख दिया, ओके भाई, इनके कैटेगरी में लिखा जाए, सतीश हो गया। अब यह कितना व्यवसाय लगाया है, 42,000 रुपया लगाया है, लेकिन इसमें यह एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, आपको बताया कि सपूजी और समय का गुणनफल के अनुपात में लाभ और हानि का बंटवारा होता है ना। तो यह 12 महीने के लिए लगाया है, देखिए इसमें और कुछ नहीं कहा है, ठीक है। अब देखिए रेशियो क्या होगा। अब दूसरा कहा है कि 3 महीने बाद, मतलब आशीष 42,000 रुपया लगाया 12 महीने के लिए, ठीक है। फिर 3 महीने के बाद एक लड़का और आ गया जिसका नाम मनीष था, उसने किया कि 48,000 रुपया लगाया, 48,000 रुपया लगाया। अब बताइए कि 12 महीने का साल होता है, उसमें से 3 महीना निकल गया था पहले ही, तो कितने महीने के लिए लगाया, यानी कि 9 महीने के लिए लगाया। कौन, मनीष जो है 48,000 रुपया 9 महीने के लिए लगाया, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। फिर व्यापार आरंभ होने के 8 महीने बाद सतीश 72,000 रुपया लगाकर 8 महीने बाद, यानी कि कौन महीना अब बचा है, देखिए 12 महीने के लिए आशीष लगाया तो 12 से गुणा किया हमने, मनीष ने 3 महीने के बाद आया तो 9 महीना बचा है, 9 महीना उसी में ना आपको अनुपात मिलेगा। अब सतीश जो है 72,000 रुपया, देखिए कितना हजार रुपया लेकर आए, 72,000 रुपया लगाए, लेकिन कितने महीने के लिए क्यों लगाए, अब बचा कितना 8 महीने बाद ना, तो बचा कितना 4 महीने के लिए लगाए हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, पहले तो 3-0 से 3-0 सबका उड़ा दीजिए, अनुपात है ना, अनुपात का पहले हमने चैप्टर आपको बता दिया है, ओके। 12 दुना के 24 और 12 दुना के 24 दो हासिल, 12 चौको 48 2 50 504, ठीक है। अब 9 8 72 सात गया बचा, 9 चौको 36 और सात कितना हो जाएगा, 36 और सात आपको कितना हो जाएगा, 7 6 43 हो जाएगा, ठीक है। 4 दुना के 8 4 7 28 ये हो गया। अब 2 से काट दीजिए, 2 दुना के 4 2 5 10 2 दुना के 4 2 दुना के 4 2 1 2 2 6 12 2 1 2 2 2 2 4 8 2 4 8 फिर 2 से काट रहा है ना, 2 1 2 2 दुना के 4 2 6 12 2 1 2 2 8 16 2 7 14 2 दुना के 4 फिर काट दीजिए, 2 से काट रहा है अभी लग रहा है, 2 6 12 2 3 6 2 5 10 2 4 8 2 3 6 2 6 12 अब लगता है नहीं कटेगा, ठीक है। तो यह हो गया हमारा, कटेगा 7 से कटेगा क्या, तो 7 से नहीं कटेगा, जरा देख लें इसका ऑप्शन क्या दिया है, 9 से कट जाएगा क्या, 9 7
63, 9 6 54, 9 4 36, यानी कि 7 6 4, यानी कि आपको यहाँ पर आशीष, मनीष और सतीश का जो अनुपात आया है कितना आया है, 7 6 और 4 का जो रेशियो होगा, यही वाला ऑप्शन ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कितना आसानी से हम लोग हल किए, चूँकि क्वेश्चन इसमें देखिए बस क्या करना है, कैलकुलेशन आपको मजबूत करना है। आशीष और 42,000 रुपया लगा के 12 महीना यानी एक साल, 48,000 रुपया लगाया मनीष लेकिन 3 महीने बाद लगाया, इसका मतलब 9 महीने के लिए लगाया। 72,000 रुपया लगाया सतीश लेकिन 8 महीने बाद लगाया, इसका मतलब 4 महीना तो बचाया। अब दोनों का हमने बताया कि पूंजी गुणे समय का अनुपात ये लाभ के विभाजन के बराबर अनुपात के बताया है, ठीक है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना काट पीट लेंगे, तो 7:6:4 का या तो लाभ होगा तो सभी में 7:6:4 के बटेगा, हानि होगा तो भी इसी के अनुपात में बटेगा, ठीक है ना। अब आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसके आगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लेवल बढ़ाता चलूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं, अभी मैं आपको बहुत इसमें भी बहुत पेचीदा सवाल आता है, ठीक है ना, उसको भी हल कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, ए बी और सी मिलकर एक काम आरंभ करते हैं। अब तीन तीन लोग आ गए हैं, ए बी और सी मिलकर एक काम को आरंभ करते हैं और क्रमशः 20,000 रुपया, 30,000 और 40,000 रुपया निवेश करते हैं। ए बी सी क्रमशः 20,000, 30,000 और 40,000 रुपया निवेश करते हैं। व्यवसाय आरंभ होने के 4 महीने बाद, ध्यान सुनिएगा, व्यवसाय आरंभ होने के 4 महीने बाद बी जो है 10,000 रुपया और लगा दिया, जबकि व्यापार आरंभ होने के 9 महीने बाद, ध्यान सुनिएगा, व्यापार आरंभ होने के 9 महीने बाद सी 10,000 वापस ले लिया, तो वर्ष के अंत में प्राप्त 1,69,500 रुपये के लाभ को, लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन की लेंथ क्या है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कितना है, छोटा सा आपको मिलेगा सॉल्यूशन, जरा देख लीजिए। देखिए क्या दिया, ए ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए और सी लिख लीजिए इधर, ठीक है। ए ने कहा है ए 20,000 रुपया लगाता है, 20,000 रुपया लगाया लेकिन ए को कहीं और कुछ नहीं मिला है, इसका मतलब 12 महीने के लिए लगाया होगा। या बी ने क्या किया, 30,000 रुपया लगाया ना, पहले 30,000 रुपया लगाया, ठीक है, लेकिन 30,000 लगाया कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद 10,000 और लगा दिया ना, इसका मतलब 30,000 × 4 प्लस अब 10,000 और लगा दिया। 30,000 तो पहले लगाया था 4 महीने के लिए, फिर 4 महीना जो बीता तो 10,000 और उसी में ऐड कर दिया, तो 30,000 पहले का 10,000 और मिलकर 40,000, यह मिलकर 8 महीने के लिए लगा दिया, ठीक है। अब सी देखिए क्या किया है, सी ने 40,000 रुपया लगाया, सी ने, ध्यान सुनिएगा, सी ने 40,000 रुपया लगाया, सी ने क्या किया, 40,000 रुपया लगाया। थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो यहाँ नीचे मैं लिख दे रहा हूँ सी का जो हिस्सा, सी जो है 40,000 रुपया लगाया, कितने महीने तक लगाया, सी ने जो है सी 9 महीने के बाद, यानी कि 9 महीने तक यह लगाया, ठीक है, फिर 3 महीने के लिए 10,000 वापस ले लिया, यानी कि 30,000 हो जाएगा ना, 10,000 निकल गया, तो यह कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है। तो यह हो गया हमारा सी का हिस्सा। अब जरा देखें हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, इसमें देखिए 12 × 24 30, अब देखिए 4 × 3 = 12 और 8 × 4 = 32, तो इसको गुणा आप करेंगे तो 44, 1 2 3, ठीक है, आप लोग गुणा करके दोनों को जोड़ लीजिएगा, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 9 = 36, 3 × 3 = 9, तो इसका आ जाएगा 9 × 6 = 15 यानी कि 45, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका अनुपात, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ए बी और सी का यह क्या मिल गया, अनुपात मिल गया पूंजी और समय का। तो जो जो मैंने काम किया एकदम सेम वही वही काम आपको करना है, 4 0 से 4 0 उड़ा दीजिए, ठीक है। अब बचा 24, 44 और 45, तो किसी संख्या से पूरा का पूरा नहीं कटेगा ना, तो यही अनुपात लिख लीजिए, ठीक है। तो बी का हिस्सा निकालना है ना भाई,
किसी का पूछ सकता है आपको, बी का हिस्सा पूछे या तो आपसे ए का हिस्सा पूछे या सी का हिस्सा पूछे। मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड ये चीज़ बता दिया हूँ, जब कोई चीज़ अनुपात में होती है तो उसको हम लोग हिस्से के रूप में कैसे बांटते हैं, ये बात आपको बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो आप देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो गए। कितना रुपया था थोड़ा सा देख लें, कितना था 169,500 रुपया था। किसका निकालना, बी का, तो बी का अनुपात कितना है 44 और यहाँ 24 अनुपातिक होता है ना, 44 प्लस कितना 45, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 13 और 2 6 6 4 10 क्या होगा 5 4 9 4 13 एक हासिल बचा, तो 5 4 9 2 11 यानी 113। 113 में इसमें भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा 20। अब 1500 में 44 की गुणा कर लीजिए तो बराबर 66,000 रुपया आपको मिलेगा। इसका मतलब यह हो गया कि बी का जो हिस्सा है 66,000 रुपया मिलेगा। इसी तरह ए का हिस्सा निकाल लेंगे तो यहाँ 24 बटे नीचे अनुपातिक योग, सी का हिस्सा 45 बटे नीचे अनुपातिक योग। तो आप लोग इसमें जितना ज़्यादा कैलकुलेशन कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा है, हम लोग इस तरह से आसानी से हल कर लेंगे। देखिए ए का हिस्सा पहले क्या निकालेंगे, एक की पूंजी कितने समय के लिए लगाई है, बी की पूंजी 30,000 चार महीने के लिए लगाया है, फिर 10,000 और जोड़ दिया यानी कि 40,000 हो गया, अब 8 महीने के लिए लगाया है 40,000 रुपये। सी ने 40,000 रुपया लगाया 9 महीने के लिए, फिर 10,000 9 महीने के बाद हटा लिया यानी कि 3 महीने के लिए 30,000 रुपया लगाया। दोनों को गुणा करके आपस में जोड़ देंगे तो बी का हिस्सा यहाँ से हम लोग आसानी से इसी तरह कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे कुछ और घुमा कर जो पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे समयों का अनुपात वगैरह ऐसे कुछ पूछे जाते हैं, उनको हल कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तब इसको थोड़ा सा मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन से प्यार करने का ढंग सीख लीजिए क्योंकि पार्टनरशिप बहुत ही आसान होने वाली है आप लोगों को। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ए बी और सी ने एक व्यवसाय में 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में पूंजी निवेश किया, एक निश्चित समय अवधि के बाद व्यवसाय से होने वाला लाभ को तीनों के बीच 5:6:7 के अनुपात में बांटा गया, तो बताइए तीनों धनों का निवेशों के समय का अनुपात बताना है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिएगा, मेरा भी थोड़ा सहयोग कीजिए, आप लोग जितना जल्दी समझ लेंगे उतना मेरा सहयोग होगा, ठीक है ना। देखिए ए बी और सी दो तीन लोग हैं, इसमें कहा है कि दो रुपया लगाया या 3 रुपया लगाया, मतलब ये 4 रुपया लगाया, 2 3 4 के संबंध में क्या लगाया उसने, पूंजी निवेश किया। हमने मान लिया कि इसमें या T1 समय के लिए लगाया या T2 समय के लिए लगाया और T3 समय के लिए लगाया, इनका जो लाभ का बंटवारा हुआ निश्चित समय के बाद कितना है, इनका 5 है, इनका कितना है 6 है, इनका कितना है 7 है। हमने आपको बताया था जो पूंजी और लाभ का जो बंटवारा होता है, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ और हानि का बंटवारा होता है, तो आप लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं 5 6 और 7 ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब आप जरा T1 देखिए, T1 है इसके नीचे जाएगा यानी कि ए या बी का हिस्सा या सी का है, तो T1 इसके नीचे जाएगा, T2 इसके और T3 इसके, यानी कि T1 बराबर 5/2, T2 बराबर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, T2 बराबर इस तरह से कितना हो जाएगा 6/3, कट जाएगा लेकिन अभी काटेंगे नहीं, T3 बराबर 7/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ से T1 T2 और T3 का जो रेशियो है 5:2, 5/2:6/3, 7/4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरह से हम लोगों का आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बात की यह सभी जो पूंजियां हैं इधर पक्षांतर कर देंगे तो बचेगा T1 T2 T3 का अनुपात। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा, इस तरह से जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे हरों का निकालते हैं LCM, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। मैंने अनुपात पर बढ़ाया, इसलिए अनुपात को पहले पढ़ाया ताकि पार्टनरशिप आसानी से आपको समझ में आए। LCM इसका आ जाएगा 2 3 4 का 12,
अब हम लोग क्या करते हैं, 12 को यहाँ पर गुणा करते हैं तो यह एग्जिट रेशियो मिल जाता है हमें, ठीक है। तो 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, ठीक है। तो T1, T2 और T3 का जो रेशियो 5 × 30, 6 × 24 और 7 × 21, ठीक है। लेकिन अभी अनुपात सही पूरा नहीं है, क्योंकि जब हमने बताया था अनुपात एक सरलतम रूप होता है, जब तक अनुपात कटने लायक है तब तक उसको काट पीट के छोटा कर दीजिए, ठीक है। 3 × 3 = 10, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, यानी कि T1, T2 और T3 का जो रेशियो है अभी कट रहा है क्या? नहीं नहीं अब नहीं कटेगा, 10, 8 और 7, यह रेशियो मिल जाएगा 10, 8 और 7 महीना। इसका मतलब यह हुआ ए ने पूंजी को 10 महीने तक लगाया है, बी ने पूंजी को 8 महीने और सी ने पूंजी को 7 महीने लगाया, एक साल के लिए अगर बात की जाए तो, ठीक है। तो यह होता है हम लोगों को, मतलब पूंजी दिया रहे और लाभ या हानि का बट दिया रहे तो समयों का अनुपात निकालेंगे, क्या करेंगे इधर पक्षांतर करके भाग करके हम लोग एलसीएम निकाल के आसानी से निकालेंगे। यहाँ जब इस तरह रहे तो घरों का एलसीएम निकाल के यहाँ पर गुणा कर दीजिएंगे ताकि आप लोगों का एग्जिट रेशियो मिल सके, ठीक है। तो यह हमारा था समयों का अनुपात। फिर इसके जस्ट बाद हम लोग 2 क्वेश्चन बचेंगे, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी घुमा कर इससे भी थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आएंगे, तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखिए ज़रा ध्यान से कहीं नज़र न लग जाए इसको। ए ने 35,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया, व्यवसाय आरंभ होने के कुछ महीने बाद 45,000 रुपया लगाकर 20 साझेदार बन गए, कुछ महीने के बाद, ठीक है। वर्ष के अंत में व्यवसाय से होने वाला लाभ अथवा हानि को ए और बी के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा गया, तो बताइए बी को कितने महीने तक व्यवसाय में शामिल रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताना है, तो बहुत ही आसानी से भी हम लोग इसे हल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने बताया ना कि जितना प्रकार से क्वेश्चन साझेदारी से बन सकता है मैं सारे क्वेश्चन को इसमें शामिल करूंगा। मान लीजिए इसमें क्या दिया है, बी का कितने दिनों तक लगा रहा ना, कितने समय तक, मान लीजिए बी ने कितने दिया, बी मान लीजिए टी महीने तक व्यवसाय में रहा, 3 महीने तक व्यवसाय को रहा। इसमें कहा ए, अब ध्यान सुनिएगा, अब लोग हम लोग सवाल लगाएंगे ए और बी, ठीक है। ए कितना रुपया लगाया है, 35,000 रुपया लगाया है, कितने महीने के लिए लगाया है, वर्ष के अंत में, जब वर्ष के अंत में कहे तो 1 वर्ष मान लीजिए, ठीक है। तो बी ने कितना लगाया है, 45,000 रुपया लगाया है, और कितने समय के लिए लगाया है, टी के। इनका जो अनुपात है वही 4:3 के बराबर है, यही प्रश्न कहा है ना, तो 3 जीरो यहीं से उड़ा दीजिए तो हो जाएगा यहाँ से क्या, 12×5 = 60, 12×3 = 36, 36×6 = 12×5 = 60, कट जाएगा 5 पहले काट दें क्या, रुकिए एक सेकेंड, 35 × कितना 12 × कितना 45 × टी बराबर 4/3, तो 3 से इसे काट दें तो 3 × 1 = 3, 3×5 = 15, अब काट दें 5×3 = 15, 5×7 = 35, ठीक है, और 4×3 = 12, ठीक है, और 3 × 3 कट गया। तो आपको टी का तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा है ना, तो टी बचेगा, यहाँ केवल बचा है 7, तो 7 महीने तक रहा। तो जो बी है पूंजी को 7 महीने तक लगाया तो उसका अनुपात 4:3 अनुपात तब आपको मिलेगा, ठीक है ना। और आपसे यह पूछे कि कितने महीने के बाद उसने लगाया, तो 12 साल का एक साल में 12 महीने होते हैं, 7 महीने तक लगाया है, इसका मतलब 5 महीने के बाद हो सकता हुआ है, या 5 महीने तक, 7 महीने लगाने के बाद 5 महीना गैप कर दिया हो, तो यह चीज़ हुआ। या आप लोग जब इस तरह से पूछे किसी एक का, मतलब वह समय या पूंजी न देकर उसका मान पूछे, तो आप लोग इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। और एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सबसे समझ लीजिए घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बहुत ही
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तीन ग्वाले, ग्वाले मतलब गाय चराने वाले, ठीक है। तीन ग्वाले ए बी और सी ने मिलकर एक चारागाह 3990 रुपया, ठीक है, 3990 रुपये में किराए पर लेते हैं। ए अपने 18 गाय को 4 महीने चराता है, ठीक है, और ए अपने 18 गाय को 4 महीने चराता है। बी अपने 16 गाय को 6 महीने चराता है। सी अपने गाय को 14 गाय को 7 महीने तक चराता है। तो बता रहा है क्या बी को कितना किराया देना होगा, मतलब गाय भी चराएं और किराया भी दें, इस पर रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले देख लीजिए क्या है इसका सोल्यूशन। मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा धीमी गति से हल कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं ना है, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। आप लोग एग्जाम में इतना सारा पूरा चीज तो नहीं लिखेंगे, आसानी से हल करना है ना आपको, तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जब कब, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब, ठीक है ना। ए बी और सी, ए देखिए क्या किया है इसमें, 18 गाय लिया, ठीक है, 4 महीने तक चराता है, इनके बीच अनुपात। यह कितना, 16 गाय लिए हैं और 6 महीने चराते हैं, और यह 14 गाय लिए हैं और 7 महीने तक चलाते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि बी को कितना रुपया देगा, और यह 3990 रुपया का तीनों लोग मिलकर एक चारागाह को खरीदे हैं। चारागाह मतलब एक फील्ड होता है जिसमें मतलब गायों के खाने की क्या होती है, सामग्रियाँ वगैरह होती हैं, घास फूस होते हैं। अब बताइए, 4 बटे 32, 8 चौको 32, 3 हासिल बचा, 4 कम 4, 4 3, 18 चौको 72 यानी कि 7, 14 छक्का 96, 6 छवा के 36, 6 कम 36 9, 14 सते 98 हो गया ना। अब 2 से काटने लगे तो काट दीजिए, 36 बार में 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 अठे 16, और 2 चौको 8, 2 नौ 18, ठीक है ना। 36, 48 और 49 अब नहीं किसी संख्या से कटेगा, ठीक है। तो यह ए बी और सी जो गाय लेकर अपनी अपनी चराए हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई विवाद नहीं होगा जब इस तरह से आप काम करेंगे। जो गाय लेंगे चरा, जो जितना अधिक गाय लेगा भाई उतना कम महीने में चराएगा, क्योंकि उसी हिसाब से भाड़ा भी तो देना है उसको। इसीलिए 36, 48 और 49 ए और बी सी का जो क्या मिल गया, अनुपात मिल गया। अब हमें क्या बताना है, केवल बी का हिस्सा बताना है ना। अब बी का हिस्सा की जगह आपसे प्रश्न में ए का हिस्सा, सी का हिस्सा, बी का हिस्सा कोई एक पूछ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। इसके ठीक पहले वाले सवाल में हमने क्या बताया था, जब कोई भी किसी भी संख्या को दिए हुए अनुपात में बांटना होता है, तो जिसका अनुपात निकालना था उसको ऊपर नीचे अनुपातिक योग और गुणा करते हैं जिससे जिसका हमें बांटना था, जिस संख्या का 3990 रुपया को बांटना है 48 बी का है, फिर नीचे कितना, 36 + 48 + 49, ठीक है। तो जोड़ेंगे 9 8 17 17 और 6 23 यानी कि 3 हासिल बचा 2, ठीक है। 4 4 8 8 3 11 11 2 11 2 11 2 13 यानी कि 133 आएगा, ठीक है, 133 आएगा। अब जरा थोड़ा सा ऑप्शन हम देख लें इस क्वेश्चन का, तो आप लोग इसे जरा यहाँ से काट लेंगे और जो भी संख्या आएगा इसमें गुणा कर लेंगे तो आएगा 1440 रुपया। तो 1440 रुपया आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग गुणा भाग कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर 36 का पूछे तो यहाँ 36 हो जाएगा, अरे इसका सी 49 का पूछ, सी का पूछे तो 49 यहाँ रख देंगे। मतलब किसी भी संख्या से पूछे हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग इसी से आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में, मैंने सारा बात बताया आपको। और भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो इससे जो इतना कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट कैसे भी घुमा कर कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे आपको आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पार्टनरशिप इस वीडियो से समझ में आ जाती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिव मिलता है इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।